हेलो रेडी चलिए नहीं ग्राउंड पे रख दे थोड़ा अंदर रखना ग्राउंड पे रखो ग्राउंड पे नहीं आ रहा लाइट हाँ अभी आ अरे चिल डाउन कर हाँ बस चलो ये आओ मैं तुम्हारे साथ तो चल सकता हूँ काव्या लेकिन तुम्हारे पीछे नहीं। तो हेलो गाइस वेलकम बैक द माय यूट्यूब चैनल। चलते हैं हमारा आज का शूट है चलते हैं फटाफट एलोरा स्टूडियो और मेरे साथ चल रहे हैं आज दिगंबर भाई। अरे दिगंबर भाई शूट पे चल रहे हो तो चलो मिलते हैं रास्ते में आपको दिखाते चलेंगे मिलते चलेंगे। तो फाइनली गाइस हम घर से निकल चुके हैं और ये देखो सामने का ये मेरे गली का नजारा है दुकान की तरफ चल दी। क्या बोल रहे दिगंबर भाई कल किधर जाएंगे हम लोग? कल गदर टू देखने जाना है। कौन कौन चल रहा भाई? ऋतिक रहेगा साथ में। हम लोग तो रहेंगे। एक अपन हो गया एक ऋतिक भाई हो गया एक तू हो गया मतलब तीन टिकट का जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो बिना टेंशन के जुगाड़ करेंगे फिर चलो अब भी चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम रोड पे पहुंच चुके हैं अब ऑटो पकड़ते हैं। फाइनली हम बफाने पहुंच गए हैं और बफाने से पकड़ेंगे अपन दूसरा ऑटो इंतजार करेंगे इधर से गाड़ी आएगी उसके बाद चले जाएंगे देखते हैं। तो बहुत देर के बाद में हमें गाड़ी मिली है दिगंबर भाई ऑटो पे मैं बैठ गया शेयरिंग टैक्सी वो है ओला है ओला उधर से खाली आते थे कितने ऋतिक भाई करते थे। तो हमें बहुत देर बाद में गाड़ी मिली थी गाइस तो हम निकल चुके हैं। ये देखिए थोड़ा ट्रैफिक भी है रास्ते में चेक करो गाइस क्या व्यू आ रहा है बाहर का क्या मस्त है ना। तो फाइनली हम पहुंच तो गए हैं लेकिन बारिश होने वाली है थोड़ी थोड़ी भी चालू हो गई है अब मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा है छिपना पड़ेगा लेकिन उससे पहले पहुंचना है कि बाद में हम छिपेंगे क्योंकि बारिश भी चालू हो गई और हम भी चल रहे हैं। हम हाईवे के पास पहुंच गए हैं मतलब काशी मीरा गांव के काशी मीरा भयंदर नगर पालिका वाले रोड पे हैं। तो उम्मीद करते फटाफट चलते हैं और फटाफट अपने स्टूडियो के में पहुंचते हैं और उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो रास्ते में क्या ही कह सकते हैं भाई अभी ऑप्शन ही नहीं है। तो गाइस चेक करो देखो कितनी जोरों से बारिश हो रही है अच्छा हुआ हमें छिपने की जगह मिल गई नहीं तो फिर तो पूरा गीला होकर के फिर रात भर गीला रहना अपना बारिश भी खतरनाक है। तीन मिनट हम लोग पहुंच भी जाते बाद में ही तो जाना था उसकी बाकी की पहिए चलती जा रही है दिमाग जबरदस्त लगाया गया है। तो फाइनली हम आ गए एलोरा स्टूडियो ये देखो। तो फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है और हम स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं और ये हमारे साथ में चल रहे हैं अभी भी दिगंबर भाई जो कि थोड़े बहुत बारिश में गीले हुए हैं। ये देखो गाइस ये हमारा लोकेशन है पार्किंग का एरिया मतलब मैं यहाँ पहले भी शूट कर चुका हूँ बहुत सारे शूटिंग की शूटिंग वगैरह किया हूँ मैं यहाँ वेब सीरियल शूट किया हूँ टीवी सीरियल शूट किया हूँ। ये देखिए जो एलोरा स्टूडियो का खासियत है यहाँ पर एक से एक महल बना के रखे हैं लोगों ने क्या एक उन्होंने बंगलो बनाया ये देखिए हमारी शो के बेनिफिट लगी। तो ये देखो गाइस ये सीन चल रहा है ये है सुम्बुल जो बिग बॉस में आई थी ये देखो ये मीडिया बैठी है सिंबुल का प्रोमो का शूट चल रहा है उस दिन का ये वीडियो बनाया हुआ प्रोमो रिलीज हो गया आप सब्सक्राइब करके चेक कर सकते हैं। वैसे कोई भी वीडियो ऐसे नहीं लिख करते हैं मतलब ऐसा है कि हम पहले उसको ऑफिशियली रिलीज होने देते हैं उसके बाद में अपलोड करते हैं मतलब किसी का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो गाइस चेक करो देखो सीन चल रहा है अभी ये अंगूठी रखा गया है मतलब प्रॉब्लम में बेसिकली बहुत अच्छी यहाँ सीख दी जा रही है कि अगर लड़की कामयाब हो और लड़का कामयाब ना हो तो जो कुछ लोग होते हैं एटीट्यूड वाले जो रिश्ते नहीं निभाते हैं वही है। मैं तुम्हारे साथ तो चल सकता हूँ काव्या लेकिन तुम्हारे पीछे नहीं।
फैसला तुम्हारे हाथ में है, मैं या आईएएस। हर मर्द की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ। एक औरत की कामयाबी के लिए मर्द पीछे इतनी खर्च। तो भाई ये चेक करो, देखो कितना खतरनाक सपना था। हाँ मैंने देखा, धागा होगा देख लेना पूरा, ऐसा लग रहा है लेके बैठा हूँ, कुदर दूंगा सर आपको। भाई इसको यूज करते वैसा फील आ रहा है, डाल घट रहा है मतलब। नेक्स्ट लेवल ये हमारा सेट है पूरा। इनको तो आप जानते होंगे शायद, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, मुझे खुद नहीं नाम याद। ये बैठे हमारे दिगंबर भाई, ये देखिए बारिश में सीन चल रहा है भाई, बारिश में शूटिंग। जब बारिश आती थी तब हम लोग अंदर छुप जाते थे, नहीं तो फिर बारिश तो नजर ही नहीं आ रहे थे। बारिश में बारिश लिखा थोड़ा लाइट क्या ग्राम पे रख दे ग्राउंड पे, रखो ग्राउंड पे, नहीं आ रहा लाइट। हाँ अभी आ, अरे चिल डाउन कर। हाँ बस चलो कट, ये आप थोड़ा बाहर ही रहो भाई, बुला करके मतलब जूनियर आर्टिस्ट हो गए पूरे पर्टन बैठे सारी मतलब सिंबल है जिसका सिग्नेचर का एक करो गाइस, क्योंकि हम लोग फील्ड में नहीं आना चाहते, ये अपने मतलब डाल और दादा कट टेंशन में बैठे। ये देखो गाइस फाइनली हम सेट पे अपना निगरानी रखते हैं कि मैं सेट पे ही हूँ, ऐसे लोगों को भी नहीं होते हम खुद उस जगह से जाते हैं। ये सिंबल का सीन चल रहा है, क्लोज अप चल रहा है, कैमरा लगा हुआ है, ये वाला सेट बहुत अच्छी सजावट है गाइस, ऐसा लग रहा है वाओ नेक्स्ट लेवल लग रहा है। आगे आप लोग थोड़ा ये देखिए ये अपने दिगंबर बस मजा आ रहा है, उनको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, मजा आ रहा है भाई, इनके दाढ़ी कितनी खतरनाक, मजा नहीं आ रहा है इनको कास्ट करना चाहिए। अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। कोशिश करते हैं। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, पैकअप हो गया हमारा, नाइट शूट पे थे, सुबह के बज गए हैं, कितने बजे हैं सवा छह। तो गाइस सुबह के 6 बज चुके हैं, हम जो है एलोरा स्टूडियो से निकल चुके हैं और चल रहे हैं मीरा रोड में, देख सकते हो इधर बस वगैरह भी चल रहा है,
सुबह सुबह का टाइम टाइम है। मीरा भयंदर महानगर पालिका ओवर ब्रिज तो यहाँ से चल के तो यहाँ से चल के जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एक्चुअल में इस इधर से आवाज नहीं आया क्योंकि मेरा माइक का जो था बैटरी लो हो गई थी। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक